मेरा नाम जो है सीताराम है। मैं जनाधिकार पार्टी 385 अदरा विधानसभा से प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ। मैं सर्वप्रथम जो है बेरोजगारी, महंगाई और नौकरी और जो है गैस सिलेंडर जो हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, लेकिन आज जो है गांव में गरीब के पास इन्होंने दिया, लेकिन आज पैसा नहीं है जो कि हमारे गरीब के लोग जो है उसको भरा सकते हैं। उनका चूल्हा एक कोने में रखा हुआ है, हमारी माँ बहन जो ओवरी लेकर के बनाती हैं और यही काम करती हैं। दूसरी बात शिक्षा में मुद्दा है कि शिक्षा जो हमारे जो है 3 साल से शिक्षा जो है पुरजोर खराब है, स्थिति खराब है, बच्चों का भविष्य खराब है, हमारे बच्चियों का भविष्य खराब है, इसलिए पढ़ाई लिखाई उनको नहीं हो पा रही है, इसलिए उनको काफ़ी जो है उनका मानसिक तनाव में है। काफ़ी बच्चे हमारे जो है देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे जनपद के सारे बच्चे जो है मानसिक तनाव में हैं कि हमारा भविष्य जो है इस सरकार में अंधकारमय है। आपके क्षेत्र में जो विधायक थे उन्होंने क्या कहा? मेरे क्षेत्र में इसके पूर्व जो है माननीय कैलाश सिंह सोनकर विधायक थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, उन्होंने केवल अपना काम किया है, अपना पेट भरने के काम किया है। अभी भी उन्होंने जो है गजरा विधानसभा के जो निधि का पैसा लिया करके दूसरे क्षेत्र में इन्होंने काम किया है और उसके अगल बगल इन्होंने जो है 2 बीघा जमीन लेकर अपना निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे कि जनता का काफ़ी इन्होंने शोषण किया है। किसकी लड़ाई मांगते हैं? हमारी लड़ाई बीजेपी से है और सपा हमारे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे राजगढ़ विधानसभा की जनता का जो है अधिकार मत और उनका जो है प्यार हमारे पार्टी को मिल रहा है। वो तो कहते हैं कि एमआईएम मेरा भाई है। एमआईएम कौन कहता है? अरे ये सब गलत बोलते हैं, एमआईएम हमारा भाई है। एमआईएम हमारे 5-6 पार्टियां के हमारे जो प्रांतीय नेतृत्व है जो मेरा संगठन से संगठित है, हमको अधिकार दिए हैं, हमारे काम कर रहे हैं, हमें ताकत दी है, आत्मबल दिए हैं, जिसके बदौलत हम जीतेंगे क्षेत्र में। सरकार हम बना पाएंगे, सरकार हम बनाएंगे और सरकार जब बनाएंगे गरीबों के लिए जो है, यहाँ के जो है सारे बच्चों के लिए, यहाँ शिक्षा बच्चों के लिए, यहाँ के महंगाई के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए हमारी सरकार काम करेगी। हम अपने क्षेत्र की जनता को यही बल देते हैं कि हमको बाहरी बहुमत से आप लोग जिताइए, ताकि क्षेत्र की, क्योंकि मैं गरीबी रेखा से नीचे उठा हूँ और सरकार के माध्यम से मैंने जब 35 साल सहायक विकास अधिकारी पंचायत के बल के विभाग में मैं काम किया हूँ। मैं जो है 30 जून 2021 को सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और उसके पूर्व मैं ग्राम पंचायत अधिकारी था। मैं, मेरी जमीनी लड़ाई है और गांव की जनता, गांव की गरीब की जनता मुझे जानती है कि इनके द्वारा गाँव का विकास संभव है। नहीं, आने लोग मैं बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता, क्योंकि देखिए जो आज के परिवेश में जो भी नेता जो भी उठे हैं बीजेपी को, सपा के, बसपा के, जो भी पार्टी के लोग अन्य लोग आ रहे हैं, सारे लोग धन बल के हैं। हमारी पार्टी गरीब है और हमारी पार्टी जो है गरीबों के लिए लड़ा रही है और जिनको लड़ा रही है वो जमीनी से जुड़े हुए हैं लोग। क्या वो जमीनी की स्थिति को जानते हैं, गरीबों की स्थिति को जानते हैं? सब लोग कहें उसके बाद क्या है, हम इसको नहीं मानते भाई। सब है, हम सबसे छोटे हैं और सबसे छोटे रहकर गांव की विधानसभा की सेवा करेंगे और सबको लेकर के, सबका साथ सबका विकास करके हम अपने उनका काम करके और विधानसभा में उनकी आवाज़ हम उठाएंगे। सरकार ने जो है बुनकरों के लिए उपेक्षित भावना से देखा है, उनको केवल आह्वान करते, जमान देते हैं कि हमारे बुनकर को मैं ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया है। हमारे बुनकर भाई जो है गांव में जा करके, शहरों में जा करके आज कमा पे नहीं, अपने परिवार के जीवन के लिए दुर्बल हो गया है, वो कमा नहीं पाते हैं, बच्चों को उनका भुखमरी के शिकार हो गए हैं, इसलिए सरकार इनके साथ अन्याय किया है।